चाय भी गर्म नहीं लग रहा। अरे गर्म नहीं लग रहा। हाँ तो गाइज अभी हम लोग नेतरहाट के लिए निकल चुके हैं और पेट्रोल पंप में आ चुके हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे पेट्रोल ले रहे हैं और ये है हमारा छोटा भाई महफूज और अस्थाक इधर है। बाकी जैसा कि देख रहे हैं पूरा के पूरा भीग गया है, पूरा सबका जैकेट भीग चुका है। और ये भाई साहब नींद अपना नींद हराम करके हम लोग को पेट्रोल देने के लिए आए हुए हैं। थैंक यू भाई। अभी हम लोग रास्ते में आ रहे थे तो एक भाई साहब यहाँ पर आग जला रहे थे और वैसे भी हम लोग यहाँ पर भीग चुके थे तो हम लोगों ने सोचा कि यहाँ पर आकर कुछ देर गर्म हो लेते हैं, उसके बाद फिर यहाँ से निकलेंगे। और हमारे साथ बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो यहाँ से लंबे लंबे रास्ते के लिए निकल चुके हैं और कुछ लोहरदगा जा रहे हैं और कुछ उससे आगे जा रहे हैं, तो हम भी उनके साथ ही लोहरदगा तक चलेंगे और फिर निकलेंगे यहाँ से। हमने अपना सफ़र जारी रखा और नेतरहाट की सीमा आते ही सुबह के नज़ारे कुछ इस तरह से हमारा स्वागत कर रही थी। सूरज की किरणें हल्की कोहरों को पार कर हमें हल्की गर्मी का एहसास भी करा रही थी। इस खूबसूरती का आनंद लेते हुए बाइक पर सवार तीन लड़के चल पड़े अपनी मंजिल की तरफ। हमने कई सारे गांवों को पार किया जहां सड़कों पर लोग तो दिख रहे थे पर वहां की दुकानें खुली नहीं थी क्योंकि इस ठंड में चाय की तलब तो होती ही है। गांव से आगे बढ़कर फिर गहरी कोहरों का सामना करना पड़ा जहां हमें 200 मीटर की दूरी भी ठीक से नहीं दिख रही थी। वहां हमने अपने बाइक की रफ्तार को कम किया और आगे बढ़े पर यह धुंध कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। इस सफ़र से एक अलग ही एक्सपीरियंस का एहसास हुआ और हमने फिर एक ढाबे पर रुकने का फैसला किया और हमने अपनी चाय की तलब को पूरा किया। बहुत ठंडा है दोस्तों। चाय भी गर्म नहीं लग रहा। मजा आ रहा है महफूज? नहीं आएगा दोबारा अब ना ठंडा में तो और कभी नहीं जाएगा और ठंडा में बिल्कुल नहीं। सूरज की हल्की रोशनी दिखते ही हम चल पड़े इस खूबसूरत सुहाने सफर पर और आ पहुँचे इस खूबसूरत व्यू पॉइंट पर जहाँ नेतरहाट की पहाड़ों का कुछ खूबसूरत नज़ारा दिख रहा था और भेड़ों के साथ कुछ चरवाहे। हम भी रुक गए और लग गए इनकी तस्वीर निकालने। यहाँ से करीब 10 किलोमीटर की इस खूबसूरत घाटी को पार करते हुए हम आ पहुँचे नेतरहाट। हाँ तो दोस्तों फिलहाल अभी हम लोग इस जगह पे खड़े हैं। ये मैं हूँ, ये आसिफ है, ये महफूज है और ये हमारा नेतरहाट है। तो भाई यहाँ पहुँचते पहुँचते पता है सबकी बैंड बजी हुई थी, महफूज तो सो गया था रास्ते पे। फिलहाल तो गाइस मिलते हैं, आप लोगों को व्यू दिखाते हैं ठीक। और ऐसा व्यू दिखाएंगे ना कि वाओ, आप लोग खुद बोलिएगा नेतरहाट क्या जगह है यार। आप लोग तो के घुमा ले वो नूना गाड़ी में सॉन्ग सुने ना,
वैसे ही आइएगा आप लोग भी, देख लीजिएगा पक्का। तो चलिए मिस करता हूँ, तो चलिए चलते हैं क्वीन ऑफ नागपुर में घूमते हैं। नहीं तो गाइज अंकल ने हम लोग को मना कर दिया, बोले कि रूम नहीं है। तो गाइज ये देख लो हम लोग को रूम मिल गया है फिलहाल, अब वहाँ जाके देखते हैं क्या वहाँ सच में है या फिर नहीं है। इधर 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 हाँ इधर। हाँ तो दोस्तों फिलहाल अभी हम लोग यहाँ आर्ट विलेज रिसोर्ट में आके अभी हम लोग यहाँ पर चेक इन किए हैं। तो ये हमारा रिसोर्ट है, ये कुछ इस तरह से अंदर से दिखता है। ये आपको पूरी तरह से आपको लकड़ी का बना हुआ है, तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर सारा का जो आउटसाइड एरिया है, मतलब आउटसाइड का जो पार्टीशन है मेरा, वो सारा का सारा लकड़ी का बना हुआ है, बांस का बना हुआ है। और यहाँ पर अच्छी तरह से एसी वगैरह सारा चीज दिया हुआ है। और यहाँ पर देख सकते हैं जैसे विंडो है वो हमारा ट्रांसपेरेंट है, और यहाँ पर आपको सारी चीजें उपलब्ध की गई है। जैसे यहाँ पर आपको गीजर है, हीटर है, और एक स्मार्ट टीवी भी है। इधर एक छोटा सा आपको काउच दिया गया है, आप यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा होंगे तो वो भी यहाँ पर रेस्ट कर सकते हैं। ये आपका यहाँ पर सोफा है। और फिर आते हैं इधर हम, ये हमारा वॉशरूम है। तो ये हमारा वॉशरूम इस तरह से है, एक बाथटब भी दिया हुआ है। ये हमारा टॉयलेट है और एक वॉश बेसिन है। तो ये भी बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। अरे भाई मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा भाई, अरे जादू भाई मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा भाई, कुछ है ही नहीं वहां पे। बना कहीं सब मेरे को बेवकूफ बना दे, सब मेरे को बेवकूफ बना दे, यहाँ कुछ दिख ही नहीं रहा। मैं मम्मा को बोल दूंगा। इस लेक की खूबसूरती का आनंद लिया और यहाँ हमने काफ़ी मस्ती भी की, जिसे आप नेतरहाट लेक व्यू पॉइंट के नाम से जानते हैं। इस लेक के किनारे एक बेहद खूबसूरत पार्क है जिसे नेतरहाट पार्क के नाम से जाना जाता है। नेतरहाट की सबसे खास जगह जहां से बच्चे पढ़कर ऊंचे ऊंचे पदों पर देश की सुरक्षा और शान को बढ़ा रहे हैं, जो नेतरहाट आवासीय विद्यालय नेतरहाट के नाम से प्रचलित है, जो अपने आप में अनुशासन का प्रतीक है। यहां झारखंड के छोटे छोटे संस्कृति की झलक दिख जाएगी। स्कूल भारत के प्राचीन गुरुकुल परम्परा पर आधारित है। यहाँ लंबे पेड़ों से घने जंगल भी लुभावने लगते हैं, जिसे पाइन फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है, और हल्की सूरज की रोशनी में ये और भी खूबसूरत लग रही थी। रोज यहाँ सैकड़ों लोग डूबते हुए सूरज को देखने आते हैं और इसका आनंद लेते हैं। हमारी तरह सभी की निगाहें आसमान पर पहाड़ों पर थी। ऐसा लग रहा था मानो ऊपर वाले ने एक सुनहरी गेंद ऊपर से गिरा दी हो और लोग इसे दूर दूर से देखने यहाँ आए हों। नेतरहाट की सर्दियों में इसका एहसास एक अलग ही सुकून देती है। सूरज डूबता गया और इस शाम का अंत भी हो गया।